अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माफ कीजिए, कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमें लगता है कि आप अपनी बहन नंदिनी के लिए उसकी ननद की कई बातों में आकर आरती और हमारा रिश्ता खराब तो नहीं कर रहे। हमें लगता है कि नंदिनी आरती को लेकर आपके मन में अपना पराया का भेद बैठ गया है। माँ आप ये बात जानती हैं कि नंदिनी और आरती दोनों मेरी बहनें, और मैंने दोनों में कभी कोई फर्क नहीं समझा, और दोनों में से कभी भी किसी पे भी कोई परेशानी आएगी तो मुझे उतनी तकलीफ होगी। लेकिन आज एक बात तो जान गया हूं मैं कि ये आदमी मेरी बहन आरती के लायक तो नहीं है। इसके बदलते हुए रंग देख लिए मैंने आज। माँ, सुमन ने खुद इसे बदनाम मोहल्ले जाते हुए देखा है। सुमन, माँ को सब सच बताओ। हाँ सर भीमा, अंशुमन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सौरभ जीजू ने हमारे साथ जो गलत व्यवहार किया है उसे तो छुटला सकते हैं, लेकिन हमने ना सिर्फ इनको ये बदनाम मोहल्ले में जाते हुए देखा बल्कि एक लड़की के साथ ढाबे में भी देखा है। जब हम सुल्तानगंज से लौट रहे थे भाई के साथ, ओहो हे भगवान, कुछ सही करने जाओ तो भी लोगों को कैसे गलत दिख जाता है। इतनी सी बात का इतना बड़ा तमाशा बन गया। सुमन जी आपने सही देखा था, हम थे भाई एक लड़की के साथ, लेकिन अगर कुछ गलतफहमी हुई थी तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ लेती, हम वही सब कुछ सच सच बता देते। अब कौन से झूठ को सच बना के बता रहे हो तुम? एक मिनट रुकिए, बस सच ही बताएंगे। ये देखिए, हम एक एनजीओ के साथ जुड़े हैं। हम और हमारा एनजीओ रेड लाइट एरिया, जिसे सुमन जी बदनाम मोहल्ला कह रही हैं, वहाँ की बहनों की रक्षा के लिए काम करते हैं। बस इतनी सी बात है। आप लोगों को दिक्कत है तो हम ये एनजीओ का काम भी छोड़ देंगे। प्लीज़ इस तरह हमारे बसे बसाए घर को मत उजाड़िए। हम हाथ जोड़ते हैं आप सबके सामने। नहीं दामाद जी, नहीं, आपको किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि गलती किसकी है और किसके सारे पे ये गलती की गई है। बड़ी माई, ये आदमी घर का दामाद है बड़ के बहुआ, जिसे तुमने इकट घरे में खड़ा कर दिया है वो लड़की के कारण। और पता है ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि तुम्हारे मन के भीतर ना नंदिनी और आरती को लेके फर्क है। बड़ी माँ, भाई से भाई नहीं सुनना चाहते हैं हम बड़के बाबा तुमसे। छटकी, बड़ा नाच था ना तुम्हें अपने राम पे। इराय बहादुर खानदान का मान मर्यादा सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ तुम्हारे हाथ है आज। छटके बताओ क्या फैसला होता तुम्हारा, क्योंकि आज तुमको ही फैसला करना है, हमको नहीं। हम तुम्हारा इंसाफ जानना चाहते हैं छटकी। दीदी,
एक माँ जिसकी बेटी की शादी है, वो क्या फैसला लेगी, क्या निर्णय करेगी? आप चाहे तो नंदिनी की शादी तुड़वा कर उसकी खुशियों को छीन सकती है। नहीं, इतने कठोर नहीं है हम, लेकिन हाँ, हमारे सीधे सरीफ मेहमान जी के साथ जो गलत हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए हमारी कुछ शर्तें हैं। दामाद जी आज से यहीं इसी घर में रहेंगे, बेटा की तरह। और जब दामाद घर में बेटा के रूप में हो तो काम के रूप में घर का बिजनेस में वो हाथ बटाएंगे अंशुमन का। मतलब आज से सौरभ जी अंशुमन के बिजनेस साझेदार। और आज के बाद अंशुमन कभी भी सौरभ जी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। मंजूर है? जी, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये सारा बवाल ई लड़की के कारण हुआ है, लेकिन हमको फिर भी इस शादी से कोई परहेज नहीं है। शिखर जी नंदिनी के पति बनेंगे, लेकिन शर्त ये है कि शादी में ई लड़की नहीं होगी। और शादी में ही नहीं, इस खानदान से उस लड़की का कभी भी कोई भी रिश्ता नाता नहीं होगा। देखिए पलकों की छांव में टू, शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।